तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हो रही है बड़ी ही डिलीशियस डिनर की तैयारी, जो कि रीमा के हम आप सभी को मालूम है कि घर में है। तो आज कुछ अलग सा डिनर प्रिपेयर करने जा रही है, जो कि रीमा कहती है कि आप सभी को दिखाएंगे कि कैसा वो डिनर प्रिपेयर किया है, और जो कि कुछ यहाँ का ट्रेडिशनल स्टाइल में होगा खाना। तो गाइस, रीमा गई हुई है लेने, और रीमा को मैं कहता हूँ कि जल्दी जल्दी ले आए, क्योंकि हमें लगी है बड़ी ज़ोरों से भूख के। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो गाइस, ये है, जिन जिन को नहीं पता और ऑलमोस्ट पता ही नहीं होगा, ये है नागा थाली, और ये ट्रेडिशनल थाली है, जो कि ऐसे पकड़ के खाने में मैं क्या ही बोलूँ, इसका टेस्ट और लाजवाब। ये दो खाना से खा के बताएंगे कि कैसे लग रहा है उसको ये थाली देख के और खाना देख के। गाइस, ये थाली देख के तो मुझे बड़ा अलग सा फील हो रहा है कि ये इतनी बड़ी थाली और इतना खाने के लिए। बट गाइस, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर है लोकल राइस इनके, और यहाँ पर है बॉइल्ड पम्पकिन, जो कि काफ़ी यहाँ का टेस्टी होता है, और साथ में है यहाँ के जो कि लोकल स्टाइल में पकौड़ा बनाया हुआ है, और साथ में है स्टीम फिश, और साथ में ग्रीन चिल्ली चटनी जो भी है यहाँ की, और साथ में है ये क्या है, ये बैंगन को स्टीम किया हुआ, और साथ में है ये बैंगन को स्टीम किया हुआ। तो गाइस, यहाँ पर जो कि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ज़्यादातर सारे जैसे हेल्थ कॉन्शियस हैं, और मैंने ज़्यादातर खासकर देखा कि ये टिप्टन्स लगा लो या नागा लगा लो, वो सारे स्टीम खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और मैंने कई बार देखा कि खाने में ज़्यादातर स्टीम चीज़ें ज़्यादा होगी, जैसे बॉयल्ड सब्जी होगी, वेजिटेबल्स होगी। और ये बड़ी ही अच्छी मुझे बात लगी है इस स्टेट की, और हिमाचल स्टेट में भी होता है, बट इस स्टेट की ये बात सबसे अच्छी लगी है कि यहाँ पर स्टीम ज़्यादा खाना प्रेफर करते लोग, और उनकी हेल्थ तो उसके कारण ही इतनी गुड हेल्थ होती है इनकी, कि मैं क्या ही बोलूं, आपको सभी को मालूम ही है। अभी खाके भी व्यूअर्स को बताओ। तो गाइस, भूख भी लग रही है, बट मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये थाली इतना बड़ा साइज़ है, और बट मैं एक चीज़ बताऊं कि ये ऐसे पकड़ के खाने के लिए नहीं है, ये एक्चुअली सही में इसका ये जो बनाने का शेप है, ऐसे बनाने का शेप है, मैं बता दूं कि ये बनाने का शेप है कि हम जब नीचे चौंकड़ी मार के बैठते हैं, और ये थोड़ी सी थाली हो जाती ऊपर, जिससे बड़ा नीचे झुक के खाना नहीं पड़ता। ये शायद किसी को ना भी, रीमा को भी ना मालूम हो, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो थाली का खाने का बनाने का जो मेथड है, ये वही है मेथड कि हम आराम से नीचे चौंकड़ी मार के खाएं, इसलिए यह है कि ये नॉर्मली हम खा सकते हैं। तो गाइस, ज़्यादा बकबक ना करते हुए मैं ये भी बता दूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, और इससे भी बहुत ही बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी फैमिली मेंबर जो इकट्ठे बैठ के खा सकते। अभी तो फिलहाल आपको मालूम है फैमिली किसी का चिकन भी चोरी कर रहा है, मीट भी चोरी कर रहा है, ये भी अच्छा तरीका है। तो क्या बात है, आज क्या तेरा इसमें भी नजर है? चलो, हम भी सोच रहे हैं इकट्ठे खाए जाए। तो चलिए, थोड़ा खा के रखते व्यूअर्स काफी देर से। तो पहले तो मैं एक चीज बताऊँ कि खाना खाने के लिए ये ऐसे मुझे पकड़ के खाने पड़ेगी, थोड़ा सा आपको दिखा भी दूंगा और आप खुद खा भी लूंगा। तो गाइस, मेरे हैं निक्की थाली, थाली जो कि काफी प्यारा, ये मेरी होती है, तो इसलिए बचपन में मेरी हो, तो मेरा यादें ताज़ा करने के लिए इसमें खाने जा रही हूँ। गाइस, मैं जैसे कि बता दूँ कि दो बड़ी बड़ी थालियाँ हैं, तो हमारी वीडियो में भी नहीं आ पाएंगी, तो इसलिए रीमा ने छोटी ही ले ली, और ये सबसे बड़ी बात है कि रीमा की चाइल्डहुड की मेमोरीज याद हो जाएंगी इस थाली को देख के। चलो, मुझे तो पूरी भूख लग रही है। तो गाइस, नहीं बातें ज़्यादा करते हुए करते हैं अपने डिनर को शुरू, और मैं देखता हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे टेस्टी बना है। और गाइस, जैसे कि मम्मी ने बनाई है फिश, तो थोड़ा सा मुझे फिश को संभाल के खाना पड़ेगा, और कंडा कुंडा लग गया तो हो जाएगी बैंड बज जाएगी, बहुत ही अल्टीमेट। और यहाँ हाथों से खाने में प्रेफर घर में हर कोई, और गाइस जो कि हाथ के खाने का मज़ा ना, वो सही में खाने का मज़ा है ही नहीं है। तो मम्मी ने काफ़ी टेस्टी और करारी फिश बनाई है। मम्मी ने बनाई है, तूने बनाई है? मम्मी ने, सारा मम्मी ने। तो देख लिया मम्मी ने।
हमें हम इसको नाम देते हैं नागा डिलीशियस डिनर, जो कि काफ़ी टेस्टी हुआ। तो उसका सारा आज का डिनर का सारा श्रेय जाता है हमारी मम्मी को, जो कि रीमा की मम्मी को। उन्होंने काफ़ी अच्छे से काफ़ी टेस्टी से सारा कुछ प्रिपेयर किया है। तो गाइस काफ़ी ज़ोरों से बाहर बारिश भी लगी हुई है अभी, तो अभी ठंडा ठंडा मौसम भी है। और मैं चाह रहा हूँ रीमा को बोलने लगा हूँ कि इसके बाद थोड़ी थोड़ी सी चाय मिल जाती तो क्या मज़ा ही आ जाता। रीमा का मुँह देखिए। तो कैसा एक्सपीरियंस है काफ़ी देर बाद तुझे ऐसे खाना खाने में? मेरे को तो बहुत ही अच्छी लग रही है खाना खा के, दिल करे और खाते जाए, लेकिन पेट है कि भर गई, पेट है कि मानता ही नहीं। तो इस हिसाब से ही हमारा जो कि डिनर हो गया हुआ है। तो गाइस बहुत बक बक हो गया, अभी हम करते हैं इनको वॉश और इस थाली को भी करते हैं वॉश और खुद के दिमाग को भी करते हैं वॉश और वीडियो को करना फुल वॉश। और यहाँ पर ही गाइस हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड। ये हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।